हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगरटिप्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू मेक ए सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। सिंथेसिस का थर्ड पार्ट आज हम आपके सामने रखेंगे और सिंथेसिस के थर्ड पार्ट में हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ये आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम आपको ये बताएं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंथेसिस करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, उससे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा पास्ट पार्टिसिपल क्या है तो सिंथेसिस क्या था करेंगे हम। तो पहले समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, थर्ड रो ऑफ द वर्ब इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल व्हेन इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज परफेक्ट टेंसेस में किया है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन वहां वो फाइनाइट वर्ब होती है और बार बार उनका मीनिंग जो होता है वो चेंज होता रहता है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और इसका मीनिंग बार बार चेंज नहीं होता, फिक्स ही होता है। तो पास्ट पार्टिसिपल जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से कार्य करती है, एडजेक्टिव की तरह से कार्य करती है, तब वो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होती है। और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो हुआ, हुई, हुए, इनसे समाप्त होता है। देखिए सेम जो मीनिंग समाप्त था वो क्या था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का था। प्रेजेंट पार्टिसिपल का हिंदी अर्थ भी हुआ, हुई, हुए और कर से समाप्त हो रहा था, और पास्ट पार्टिसिपल का भी हुआ, हुई, हुए से समाप्त हो रहा है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस स्टूडेंट्स ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वहां यूज होता है जहां दो कार्य साथ हो रहे, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य हो रहा है, दूसरे कार्य के लिए पहला कार्य हो रहा है, या एक कार्य करते रहने के दौरान दूसरा कार्य हो जाता है। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल वहां यूज किया जाता है जहां एक कार्य पहले पूरा या समाप्त हो चुका हो। तो पास्ट पार्टिसिपल देखिए, जैसे स्टूडेंट मान लीजिए हम ये गए, हम ये गए रेडी में। अब देखिए यदि ये फाइनाइट वर्ब है तो तब इसका अर्थ क्या होगा, लिख चुका हो या लिख लिया, इन दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन यहां इसका अर्थ क्या होगा, लिखा हुआ। अब ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, एडजेक्टिव की तरह से कार्य कर रहा है। लिखा हुआ एडजेक्टिव की तरह से कार्य कर रहा है, इसलिए इस रीडिंग को हम क्या कहेंगे, इस रीडिंग को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे, सॉरी पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। और ये एडजेक्टिव की तरह से कार्य करेगा, जैसे मान लीजिए रिटिन लेटर। अब ये लेटर क्या है, नाउन। और ये रिटिन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये क्या कर रहा है, लेटर को मॉडिफाई कर रहा है, लेटर की विशेषता प्रकट कर रहा है। यानी लेटर की विशेषता क्या है कि वो रिटन है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जब किसी नाउन के पहले आ करके उस नाउन को मॉडिफाई करती है, उस नाउन की विशेषता बताती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। हिंदी अर्थ इसका भी हुआ, हुई, हुए से समाप्त होता है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म होते होते एडजेक्टिव की तरह से कार्य करती है, किसी नाउन की विशेषता प्रकट करती है। क्योंकि नाउन की विशेषता प्रकट कर रही है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, और एक एग्जांपल लेते हैं।
डेजर्ट क्यों विलेज। अब ये विलेज क्या हुई, ये नाउन है और ये क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन ये थर्ड फॉर्म किसकी विशेषता प्रकट कर रही, विलेज की। कैसा है विलेज, डेजर्टेड। तो डेजर्टेड विलेज, विलेज को मॉडिफाई कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए क्या कहलाएगी उसको हम कहेंगे ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों है पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि विलेज की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है, उजड़ा हुआ गांव। तो गांव की क्या विशेषता, कैसा है गांव, गांव है उजड़ा हुआ, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये तो पास्ट टेंस है। अब सिंथेसिस में हम इसका यूज कैसे करते हैं, जब सिंथेसिस के लिए दो सेंटेंस दिए होते हैं, एक सेंटेंस की वर्ब दूसरे सेंटेंस में दी गई नाउन की विशेषता प्रकट करते हो, तो उसको पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करके उस नाउन के पहले रख दिया जाता है जिसकी वह विशेषता प्रकट कर रही है। अब ध्यान दीजिए, दो सेंटेंस हमारे पास दिए हुए, दोनों में वर्ब दी होगी, हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, कि उसमें केवल एक बाई लाइन वर्ब होनी चाहिए। सिंथेसिस की कंडीशन क्या कहती है, कि दो सेंटेंस को या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर आप एक सेंटेंस तो बना दें, लेकिन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मस्ट नॉट बी चेंज, मीनिंग सेंटेंस का सेम रहना चाहिए, तो सिंथेसिस है। अब जब हम एक ही वर्ब को यूज करेंगे तो एक वर्ब का हम क्या करें, यदि हम उस वर्ब को छोड़ देते हैं तो मीनिंग चेंज होगा, क्योंकि हमें मीनिंग भी चेंज नहीं होने देना है, तो हम क्या करते हैं एक वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करके उस नाउन या प्रोनाउन के पहले, उस नाउन के पहले रख देते हैं जिसकी वो विशेषता प्रकट करता है। अब देखिए, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास दो सेंटेंस है, आई हैव एक और, दूसरा क्या है, ये क्या बन गया पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्यों है, क्योंकि ये किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है, इस नाउन की विशेषता प्रकट कर रहा है, यानी ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव की तरह से यूज हम कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। अब चूंकि इसमें ये वर्ब पास्ट पार्टिसिपल है तो एक ही वर्ब रहे, तो हमारा सिंथेसिस होकर एक सिंपल सेंटेंस ही बन जाता है और मीनिंग भी दोनों सेंटेंस का सेम रहता है। यहां से क्या कहा था, मेरे पास एक कोट है, और यहां क्या कहा, कोट फटा हुआ। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, कहीं भी नहीं है सेंटेंस का, मेरे पास एक फटा हुआ कोट है। अब स्टूडेंट से लेकिन दोनों अलग अलग सेंटेंस का मीनिंग देखे, मेरे पास एक कोट है, कोट फटा हुआ है, और दूसरा एक सेंटेंस जब सिंथेसिस होकर के बना तो उसका मीनिंग क्या हुआ, मेरे पास एक फटा हुआ कोट है। तो अब ये जो दोनों सेंटेंस है उन सेंटेंस के बराबर इसका एक मीनिंग है, यानी सेंटेंस दोनों सेंटेंस का इस सेंटेंस का मीनिंग सेम है, मीनिंग चेंज नहीं होता है, इसलिए सिंथेसिस हुई है।
चूंकि जो हमने सिंथेसिस करके सेंटेंस बनाया उसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए हमारी सिंथेसिस बिल्कुल सही है। एक और एग्जांपल देते हैं, कि हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करते हैं तो क्लियर हो गया। पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग वहां करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इज यूज इन दोज कंडीशन, इन दैट कंडीशन इन विच वर्ब ऑफ वन सेंटेंस मॉडिफाई द गिवन नाउन ऑफ अनदर सेंटेंस। यदि एक सेंटेंस में जो नाउन होती है दूसरे सेंटेंस की जो वर्ब होती है उस नाउन को मॉडिफाई करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो वर्ब मॉडिफाई का कार्य करती है, एडजेक्टिव का कार्य करती है, विशेषता बताने का कार्य करती है, उस नाउन को उस वर्ब को वहां से उठाकर के उस नाउन के पहले रख देते हैं जिस नाउन की वो विशेषता प्रकट करती है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है तब यूज किया जाता है जहां दो कार्य साथ साथ हो रहे हो, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होगा, दूसरे कार्य के लिए पहला कार्य करना आवश्यक हो, या एक कार्य जो हम कर रहे हैं उसके बीच में दूसरा कार्य अपने आप हो जाए बिना किए हुए, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां एक कार्य पहले ही पास्ट में ही समाप्त हो चुका है। अब वो कब हुआ ये नहीं बता, देखिए मैं दो एग्जाम्पल आपको दूंगा और दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। यदि हम जहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होना वहां पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर देते तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, जहां पास्ट पार्टिसिपल का यूज होना यदि हम वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देते हैं तो भी मीनिंग चेंज हो जाता है। देखिए अब आप एक सेंटेंस ऐसा there was स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है, दोनों एडजेक्टिव का कार्य कर सकते हैं, लेकिन जहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा वहां पास्ट का नहीं हो सकता। अब देखिए आई सा यहां ये वर्ड है और यहां ये वर्ड है। अब देखिए स्टूडेंट्स आई सा आई सा मैंने तत्व देखा
चल रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी ने देखा, यदि इसने देखने का कार्य किया उसने किया तत्ता चल रहा था, यानी दोनों कार्य साथ साथ में। जब नरेंद्र ने देखा उस टाइम क्या था, तख्ता चल रहा था, इसका मतलब दोनों कार्य साथ साथ में। जहां दोनों कार्य साथ साथ होंगे वहां हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो क्या हो जाएगा, आई सा और रनी देख। अब देखिए क्या कहा इसमें, मैंने एक जलता हुआ तख्ता देखा। क्यों लगा आपने स्टूडेंट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए लगाया हमने क्योंकि दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं, उधर वो देख रहा है उधर तख्ता चल रहा है। अब देखें यहां यदि हम इसको देखें तो ये नाउन है और ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है, इंजेक्टिव का कार्य कर रहा है और डेक को मॉडिफाई कर रहा है। डेक की विशेषता बता रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये होने क्यों यूज किया, पास्ट पार्टिसिपल क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि दोनों कार्य साथ साथ होते हैं, जहां दोनों कार्य साथ साथ होते हैं वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर। दूसरा आयशा नहीं कर सकते क्योंकि एक कार्य पहले ही ऑलरेडी पास्ट में पूरा या समाप्त हो चुका है। तो इस कंडीशन में हम क्या हो जाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल। तो क्या हो जाएगा, आयशा एक बार क्या कहेंगे, मैंने एक जला हुआ पास्ट पार्टिसिपल है और ये नाउन है, ये इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है। तो यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल की विशेषता प्रकट कर रहा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया हमने एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन यहां इसलिए पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ क्योंकि एक कार्य पहले समाप्त हो चुका, या इसलिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ क्योंकि दोनों कार्य साथ साथ चल रहे हैं। स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन के लिए भी पास्ट पार्टिसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप पास्ट पार्टिसिपल का आपका क्लियर नहीं है टॉपिक तो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसलेशन में भी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा। तो सिंथेसिस के साथ साथ ये ट्रांसलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज और मैं बता दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दोनों की जो पैसिव फॉर्म होती है वो सेम होती है, और जो पैसिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल पैसिव। अब देखिए यहां क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल पैसिव कब लगेगा, यदि दिए गए सेंटेंस एक्टिव मोड में होते हैं तो एक्टिव फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यदि दिया गया सेंटेंस पैसिव फॉर्म में होता है तो हम पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म का यूज कब किया जाएगा, जब दिया गया सेंटेंस पैसिव मोड में होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये था आपका सिंथेसिस सीरीज का थर्ड पार्ट, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपने मेरे चैनल को भी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए यदि आपको पसंद आए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो भी उसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के